हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रेक्टिलिनियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम। प्रीवियस वीडियो में अपन ने रेजिस्टिंग मीडियम के अंदर रेक्टिलिनियर मोशन को डिस्कस किया था अच्छे से, और आज जो है वो उसके कुछ और एग्जाम्पल्स को अपन आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर थर्ड को यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर थर्ड जो है वो आपका रेक्टिलिनियर मोशन में किससे संबंधित है, पहले अपन उसको देखते हैं कि उसमें अपने को गिवन क्या है और अपने को फाइंड आउट क्या करना है। तो देखिए, जो आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड है उसमें आपसे गिवन है कि कोई बिंदु ओ है, उससे ए बिंदु दूरी तक एक कोई बिंदु है, वहाँ से ये विराम अवस्था से चलता है, ठीक है, और विराम अवस्था से चलकर किसी बिंदु P पर पहुंचता है, और इस O और P के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x है। अब इसने दे रखा है कि ये फोर्स जो है किसके कितने गुना है। जैसे इसने दे रखा है कि जब आप A से O की तरफ आ रहे हैं तो जो इसमें फोर्स लग रहा है, तो जो फोर्स है वो कैसा लग रहा है, यहाँ पे म्यू गुना लग रहा है, और म्यू किसके, दूरी के अनुक्रमानुपाती, दूरी के म्यू गुना लग रहा है। और दूसरा, जो इसका प्रतिरोधी बल है, प्रतिरोधी बल जो है वो इसके क्या कैसा लग रहा है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और वो कैसा लगेगा, के गुना लगेगा किसके, वेलोसिटी के वर्ग के बराबर। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो अपन यहाँ से सबसे पहले तो अपने को जो जो चीज़ें गिवन हैं और जो जो चीज़ें अपने को प्रूफ करनी है उसको देखते हैं। फिर अपने को जो मान निकालना है वो इस पर्टिकुलर बिंदु पी पर क्या निकालना है, वेग के वर्ग का मान अपने को यहाँ पर दिखाना है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले मैं यहाँ पे गति की समीकरण को देखना चाहूँगी। तो गति की समीकरण, जो अपने फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, पहला अपन ए से ओ की तरफ आ रहा है, तो अपन देख पा रहे हैं कि जब ए से ओ की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो अपनी डिस्टेंस है वो कैसी हो रही है, कम होती जा रही है। तो डिस्टेंस देखिए कम होती जा रही है, क्लियर है मेरी बात? अब देखिए, डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स कैसा हो जाएगा अपना। अब मैंने आपको बताया कि फोर्स कैसा लग रहा है यहाँ पे, दूरी के अनुक्रमानुपाती। तो जब दूरी घट रही है तो फोर्स भी कैसा होगा, घटेगा। तो अब यहाँ पे जो साइन यूज़ करेंगे वो कैसा लगेगा, माइनस का साइन यूज़ करेंगे। तो जो अपना इसका रेजिस्टिंग मीडियम की वजह से जो फोर्स होगा, तो रेजिस्टिंग मीडियम की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, वहां से रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो स्टार्ट करते हैं अपन। एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल में आ जाएगा एम वो माइनस का और म्यू एक्स प्लस एम के वी स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये अपन ने फोर्स के लिए इक्वेशन यहाँ पर बना ली। अब एम को रिड्यूस कर देते हैं, अपने पास यहाँ पे वैल्यू बचेगी, और जो अपना डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है इसको मैं लिख लेती हूँ वी डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू माइनस का एम, एम तो हट गया, म्यू एक्स प्लस एम के वी, एम हट गया, के वी स्क्वायर। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक? इतना सभी के समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए आगे जो है वो, अब मैं इसको क्या करना है, मुझे वेलोसिटी के वर्ग का मान निकालना है। तो ये जो मेरी टर्म है इसको मैं वेलोसिटी के वर्ग में रिड्यूस करने की कोशिश करती हूँ। तो देखो, मैंने जो ये मेरा v dv अपॉन dx है उसको मैंने क्या लिख लिया, उसको मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ 1/2 डी बाई डी एक्स और वी स्क्वायर। देखिए कैसे इसको अपन इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं कि आप इसका जब डिफ्रेंशिएशन करवाओगे एक्स की रेस्पेक्ट में वी स्क्वायर का, तो आपके पास कितना आएगा, 2v dv/dx आएगा। तो उस 2 का मैं इधर लेके आ गई। क्लियर होगी बात? तो मैं इसको इससे यहाँ पर रिड्यूस कर देती हूँ। तो देखिए, ये बन जाएगा 1/2 डी वी स्क्वायर डी एक्स, हो गया यहाँ तक। और ये जो वैल्यू है इसको मैं इधर ले आती हूँ, और माइनस म्यू एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो गया, वी के अंदर एक क्या बन गई, होमोजीनियस इक्वेशन यहाँ पर बन गई। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे। तो जब अपन जानते हैं होमोजीनियस नहीं, प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, सॉरी अवकल समीकरण, तो उनको निकालने के लिए अपन इंटीग्रल फैक्टर को यूज करते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, ई की पावर में यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस के डी एक्स, सॉरी ये जो 2 है मैं इसको भी इधर मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, ये जो 2 है इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी माइनस 2 के।
तो आ गया e की पावर माइनस टू के एक्स, ये आ गया इंटीग्रेशन फैक्टर। तो अपने पास सॉल्यूशन जो है वो इसका कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, सॉल्यूशन लिख लोगे, वी स्क्वायर में इक्वेशन है तो इधर आएगा वी स्क्वायर e की पावर माइनस टू के एक्स इक्वल माइनस का टू म्यू मैंने बाहर ले लिया, एक्स e की पावर माइनस टू के एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं, इंटीग्रेशन करवा देते हैं। तो इसका जब अपन इंटीग्रेशन करवाएंगे अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, देखिए माइनस का टू म्यू तो बाहर है, सबसे पहले इसका करवाया एक्स e की पावर माइनस टू के एक्स और यहाँ आ गया माइनस का टू के। क्लियर होगी मेरी बात यहाँ तक। ये अपन ने जो अपना आइलेट मेथड होता है उसको यूज़ करते हुए यहाँ पर अपन ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर आ जाएगा माइनस का साइन और एक्स का एक्स की रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा और इसका आ जाएगा माइनस टू के एक्स अपॉन टू के डी एक्स। ओके, इसको फिर से सोल्व कर लेते हैं और साथ में ये जो सी है ये चली रहा है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। तो ये बन गया अपॉन माइनस टू के और माइनस, ये माइनस टू के था, अब ये बन जाएगा माइनस टू के एक्स अपॉन फोर के स्क्वायर और ये हो गया c। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करके v का जो मान है वो अपन निकाल लेते हैं। तो v का जो मान है e की पावर टू के एक्स का क्या करवा देंगे, पूरी जो अपनी टर्म है पूरी इक्वेशन है उसमें क्या करवा देंगे, डिवाइड दे देंगे। तो अपने पास v की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी, देखिए कैसे। वी स्क्वायर का जो मान आएगा वो देखो e की पावर माइनस टू के एक्स का डिवाइड देंगे तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा और बाकी जो टर्म्स बचती हैं उनको लिख लेते हैं अपन। यहाँ बची मेरे पास टू से टू कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू एक्स अपॉन में के ये बच गया। दूसरा जो टर्म है वो क्या बच जाएगा, ये हो गया प्लस का और ई की पावर तो हटी गई, म्यू अपॉन में फोर के स्क्वायर प्लस में सी ई की पावर टू के एक्स। ठीक है, सी के साथ में ई की पावर टू के एक्स है नहीं तो ये क्या हो जाएगी, उसके ऊपर में साथ में चली जाएगी पावर के रूप में। अब देखिए ये तो आ गया मान अपने यहाँ पे वी स्क्वायर का। अब अपने को यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट आपको सी दिख रहा है इसका मान अपने को फाइंड आउट करना होगा। तो फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कंडीशन को। तो एक्स इक्वल्स टू ए पर वी इक्वल टू क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो अप्लाई कर दीजिए तो जो इक्वेशन है वो अपनी ऐसी बनेगी, सी की वैल्यू जो आएगी वो माइनस में आएगी, ये दोनों वैल्यूज इधर आके माइनस में तो आएगी अपनी। तो माइनस e की पावर माइनस टू के ए हो जाएगा x की जगह, म्यू ए अपॉन के प्लस म्यू अपॉन फोर के स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो c का मान आया इसको यहाँ पे इक्वेशन में रिड्यूस कर देते हैं, c का मान रख देते हैं तो म्यू x अपॉन में k प्लस म्यू अपॉन फोर के स्क्वायर माइनस फोर ए वाई के e की पावर माइनस टू के ए। ठीक है, और यहाँ भी ये माइनस म्यू अपॉन में फोर के स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए जो जो टर्म्स अलग है जो एक जैसी है उनको अलग कर लेते हैं। देखिए इसकी जैसा तो कोई टर्म है नहीं तो ये अलग से लिखा जाएगा, ये जो है इसको एक साथ लिख लेते हैं अपन इधर, म्यू ए बाई के e की पावर माइनस टू के ए। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो सॉरी सी का मान है और ये भी साथ में चलने वाला है ये सारी चीज़। ठीक है, तो टू के एक्स माइनस ए बन जाएगा यहाँ पे। क्लियर है ना, थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, टू के एक्स माइनस ए और यहाँ भी टू के एक्स माइनस ए। ठीक है ना, ये इस एक्स को ध्यान नहीं दिया था पहले। क्लियर हो गया अब। और यहाँ से जब इनमें इन दोनों में देखा जाएगा तो म्यू अपॉन में फोर के स्क्वायर आ जाएगा कॉमन और अपने पास वैल्यू बताएगी वन माइनस ई की पावर टू के एक्स माइनस से हो गया। और यही पे यही चीज़ जो है वो अपने को वेलोसिटी के अंदर यहाँ पर प्रूफ करनी थी। आई होप आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी होगी। ठीक है, फोर नहीं चल रहा है यहाँ, टू चल रहा है, टू को जब अपन ने अंदर लिया था तो टू हो गया था यहाँ पे, ये भी टू है, यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है। ठीक है,
ये हो गया 2। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब इसको अपन आगे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हो गई अपने को वी स्क्वायर तक को प्रूफ करने की बात। ये पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करनी थी वो अपन लेकर आ गए। अब अपने को प्रूफ करना है कि जो आपका कण है वो क्या होता है, जब आगे की तरफ जाता है तो ये ओ पर आके रुकता नहीं। इसने ऐसा कहा है कि ये प्रारंभिक स्थिति, यानी इस ओ पर आकर ये जो कण है ये रुकता नहीं है, ये इससे फिर भी क्या होता है, आगे चला जाता है, ठीक है, और आगे जाके ये कोई पॉइंट बी है उस पर जाकर रुकता है। तो मैं मान लेती हूँ कि ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है, एच है, ठीक है, और इसने जो डिस्टेंस है वो कितनी कही है कि ये जो बी डिस्टेंस है उस पर जाकर क्या होता है, ये रुक जाता है। क्लियर हो गई है मेरी बात। अब देखो यहाँ पर तो ये वी रुकता नहीं है, तो मतलब ओ पर तो इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और ओ पर इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स इक्वल्स टू ए होगी, क्योंकि ये यहाँ से जीरो से चलना स्टार्ट किया था, या अपन ऐसा कह सकते हैं ए से जीरो तक आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस तो ए ही चली ना इसने, तो ओ तक आने पर इसकी वेलोसिटी को मैं मान लेती हूँ, माना बिंदु ए ओ पर वेग क्या मैं मान लेती हूँ, वी वन, वी बराबर तो हो जाएगा वी वन, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए। तो यहाँ से आप वी वन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी वन स्क्वायर अपने पास देखिए क्या हो जाएगा, ये जो पूरी वैल्यू जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पर अपने को क्या पुट कर देना है, ए पुट कर देना। तो पहला टर्म हो जाएगा म्यू ए अपॉन में के, ठीक है, ये वाला टर्म कैसा हो जाएगा, ई की पावर तो यहाँ से हट जाएगी, तो अपने पास देखिए क्या वैल्यू बच जाएगी, जो जो वैल्यूज अपने पास में बचती है उसको अपन लिख लेते हैं यहाँ पे। जो ए वाली टर्म्स होगी वो तो ऑलमोस्ट हट जाएगी, और अपने पास जो टर्म पहले तो यही है, दूसरी ये है माइनस का म्यू ए अपॉन में के, ठीक है, और आगे मैं यहाँ पे हटा के लिख देती हूँ इसको पूरा। ये देखिए ये वाला था अपना म्यू ए अपॉन के, इससे क्या बनेगा अपना म्यू ए अपॉन के, वो लेकिन वो कैसा बनेगा, माइनस का बनेगा, हो गया। फिर अपन इसे अगले वाले टर्म में जाएंगे, तो म्यू प्लस म्यू अपॉन के स्क्वायर, तो इसका कोई इफेक्ट होगा नहीं, म्यू अपॉन टू के स्क्वायर पर, तो ठीक है, और म्यू अपॉन टू के स्क्वायर अगर यहाँ पे जाएगा तो ये ई की पावर जीरो, यानी क्या बनेगा, वन यहाँ पर बनेगा। क्लियर हो गई क्या मेरी बात यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए अपने वी वन स्क्वायर का जो मान होगा वो किस तरह से यहाँ पर इफेक्ट होगा, एक्स इक्वल्स टू ए पर जब अपन इसका मान निकालेंगे तो अपने पास देखिए कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर बचते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो अपने को चेंजेस दिख रहे हैं वो ए की जगह क्या हो जाएंगे, यहाँ पे म्यू ए अपन के, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इस चीज़ को इस तरह से, ये वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट हो जाती है, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ इसको, अपने पास वैल्यू बनेगी माइनस का म्यू ए अपॉन के ई की पावर माइनस टू ए के, ठीक है, प्लस म्यू अपॉन टू के स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस टू ए के। अब ये चेंजेज कैसे हुआ, इसका रीज़न ये है, देखिए आप इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो ए जो है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए नहीं होके यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए। जब अपन यहाँ पे एक्स इक्वल टू माइनस ए पुट करेंगे तो अपने पास ये जो वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर हो गई है मेरी बात यहाँ तक, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अब यहाँ पर अपन लिखते हैं ओ पर इसका वेग कैसा नहीं हुआ है, शून्य नहीं हुआ है, ओ पर इसका वेग कैसा है, वी वन स्क्वायर है। अब शून्य कहाँ पर जाके होता है, बी पर जाके होता है, शून्य कहाँ पर जाके होता है, बी पर, यानी ए जो है वो एक्स जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का, बी जहाँ पर होगा ना तब आपने यहाँ पर क्या होगी वैल्यू जीरो बनेगी, ठीक है ना। तो अब जो आपको इक्वेशन दिख रही है, जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें अपने को क्या पुट कर देना है, अपन ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी नहीं है, जीरो के बराबर है नहीं है। ये जो चीज़ निकाली है मैंने, ये मैंने सिर्फ ये बताने के लिए निकाली है कि ओ पर इसकी वेलोसिटी कैसी नहीं हुई है, जीरो नहीं हुई है। तो अब अपन निकालेंगे कि अगर जीरो नहीं हुई है तो ये जीरो कहाँ पर जाकर होगी। तो इसने कहा है कि जब ये बीच डिस्टेंस पर जाता है तब ये कैसा बन जाता है, जीरो बन जाता है। तो वेलोसिटी अब अपन किसके लिए निकालेंगे, उसी इक्वेशन की हेल्प से जिसमें अपन वेलोसिटी को देख रहे थे, एक्स की जगह अपन क्या पुट करेंगे,
बी नहीं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, वी पुट करेंगे, माइनस बी, और वेलोसिटी को कैसा पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो देखिए उस इक्वेशन में जैसे ही अपन ये चीज़ पुट करते हैं अपने पास आ जाएगा माइनस म्यू बी अपॉन के माइनस म्यू ए अपॉन के ई की पावर माइनस टू के बी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है, प्लस है म्यू अपॉन टू के स्क्वायर वन माइनस ई की पावर माइनस टू के और b प्लस ए। ये अपने पास में एलिमेंट जो है वो यहाँ पर बन जाएगा, ये पूरा वेलोसिटी का एलिमेंट। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, जो अपने b के एलिमेंट्स इस पूरे को क्या करवा देंगे, 2kb से मल्टीप्लाई, ये इसको जो आगे के जो काम किए गए हैं पहले e की पावर 2kb से मल्टीप्लाई किया गया ताकि ये क्या हो जाए, सिंप्लीफाई होके अपने पास में आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। पहला इसमें इससे मल्टीप्लाई करके निकाला गया है, तो जो अपन इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रिड्यूस होने के बाद देखिए क्या इक्वेशन बनती है। तो रिड्यूस होने के बाद जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी जीरो बराबर माइनस टू म्यू बी के ई की पावर, यहाँ तो आ जाएगा टू के बी, यहाँ वाला कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस म्यू ए अपॉन में के ई की पावर माइनस टू के ए हो जाएगा, म्यू अपॉन ए 2 के स्क्वायर के साथ तो ये e की पावर 2 के भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 2 के ए। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक, ये अपने पास में एलिमेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाता है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए अब इसको अपन क्या कर देंगे, पूरे जो इक्वेशन है उसमें से कॉमन लेके 2k स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास जो गिवन रिजल्ट है जो अपने को चाहिए वो क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, यानी जो रिलेशन अपने को x इक्वल्स टू बी के लिए चाहिए था वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा, और वो क्या है अपना यहाँ पे 1 माइनस 2b के e की पावर 2b के और इक्वल में हो जाएगा 1 प्लस 2a के और e की पावर 2a। क्लियर हो गई, तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने रेक्टिलियर मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम का एक और एग्जांपल जो है वो अपन ने डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आया होगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।